आइए जी भाई, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद भाई सबको ईद मुबारक, आपको भाई आपके रोज़े मुबारक, आपको आपकी तरावी मुबारक, आपको सब कुछ मुबारक। तो भाई जैसा कि मेरा नाम हमजा है भाई, आज का व्लॉग बना रहा हूँ भाई, क्योंकि आज हमने कहीं जाना है भाई। तो जाएंगे किसी दरबार पे जा रहे हैं, क्योंकि यार कोई ऐसी जगह तो है नहीं जिधर हम जाएँ, क्योंकि गर्मी भी इतनी है। बाकी दरबार में जा रहे हैं भाई, जाम साहब दरबार का नाम है, ठीक है, तो हम उधर जाएंगे। अच्छा था यार, एक और बात बताऊँ, कल भाई जैसा कि ईद का पहला दिन था यार, मैंने कंप्लीट व्लॉग बनाया था, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक, सारा मैंने व्लॉग बनाया। सुबह उठा 6 बजे ही मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, मेरी आंखें भी नहीं सही से खुली थी, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। कोई भाई मेरे मोबाइल में कोई इशू हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, रात को मैंने मुकम्मल एडिट करके रखा था अपना, 1 बजे मैंने सारा कुछ एडिट किया, व्लॉग सब कुछ, थंबनेल हर चीज़ बना के रख ली थी मैंने, मतलब सुबह अपलोड करूँगा मैं, पर पता नहीं क्या हुआ, मेरा मोबाइल अचानक बंद हुआ, उसके बाद सब मेरी वीडियो डिलीट, भाई व्लॉग वाली तो उससे पहले डिलीट हुई, उसके बाद कोई मोबाइल में चीज़ बची नहीं। तो भाई फिर मैं यकीन मानो मैं बड़ा दुखी हुआ था उसके बाद, क्योंकि भाई उस व्लॉग में इतना कोई मैंने शुगल मेला लगाया था ना, मैंने चीखे मार मार के अपना गला बिठा दिया था। मेरी आज जैसे भाई थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन भाई मैं कोशिश करूँगा भाई, मैं आपको पूरा हंसाऊँ भाई, मैं अपनी इस शक्ल लेके ना आपको पूरा हंसाऊँ, क्योंकि भाई 12 बाय 4 पाने जैसी तो हमारी शक्ल है, तो आपको यकीनन मुकम्मल हंसाएगी है। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को कसम से उस व्लॉग का इतना दुख है ना, जो मेरा मोबाइल ने पता नहीं क्या किया मेरे साथ, क्योंकि भाई उस व्लॉग में यार मैंने पब्लिक में जा जा के मैंने व्लॉगिंग की, ठीक है, चल झूठा, सुबह सुबह ईदगाह मस्जिद में जाके मैंने कैमरा ऑन कर लिया, जैसे हम ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे मैं पीछे से भाई व्लॉग बना रहा था, भाई मैं अब नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ईद की नमाज़ पढ़ी है, फिर मैंने भाई बोला देख लो भाई हमने ईद की नमाज़ पढ़ी है, हमने सब कुछ, उधर भी मैंने शुगल मिला ठीक ठाक का लगाया भाई, मैंने अपने चाचू वाले साथ लगाया, भाई के साथ लगाया, वो भी सारा ऐड किया उसमें। फिर हम कब्रिस्तान गए भाई, कब्रिस्तान में तो भाई कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, वापसी में आते हुए मेरे दोस्त थे गली में भाई, उनके साथ इतना मैंने शुगल मिला लगाया, इसका कोई हिसाब नहीं था। तो पता नहीं यार, समझ यार ये नसीब ही है हमारे, क्या है किस्मत ने ऐसा कोई खेल खेला, मेरा सारा व्लॉग यार डिलीट हो गया रात को 1 बजे, यार मेरे कसम से नींद आ रही थी इतनी व्लॉग एडिट करते करते। लेकिन जब ये हुआ ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मोबाइल को साइड में रख दूँ और ख़ुद भी कहीं साइड में चला जाऊँ, क्योंकि यार मेरे को बड़ा दुख हुआ यार। तो भाई खैर है यार, कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है, दिल छोटा नहीं करते हम, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी चलो कोई भलाई होगी यार हमारे लिए, इसलिए ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो भाई आज का व्लॉग आप भी इंजॉय करना, ठीक है, और हमें यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, मेहरबानी करो यार, सब्सक्राइब करने में ना यार सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लगते, बस अंगूठे को थोड़ी सी बहुत तकलीफ़ दे ली है उसको, उस पर सब्सक्राइब बटन पर करना है, और जो बेल आइकन है यार उसको प्रेस कर देना, मतलब दबा देना उसको, ठीक है, और नोटिफिकेशन ले लेना, ठीक। तो भाई अब हम हो रहे हैं तैयार जाने के लिए, तो भाई हम चलते हैं, ठीक है। तो भाई मैं हो गया हूँ अब तैयार जाने के लिए, ठीक है भाई, आज गर्मी भी बहुत है यार, हमने वैसे ही बहुत देर कर दी है, तो यार बिना वक्त ज़ाया करे यार अब चलते हैं। तो भाई ठीक है, अब हम जाने लगे हैं, सही है भाई, देख लो ऐसी शक्लें भी हमारे साथ हैं, अगर मेरा मुंह 12 बाय 4 के पाने जैसा है, तो इसका मुंह भाई मोटरसाइकिल भी अगली हेडलाइट जैसा है। तो ठीक है भाई, अब हम जाने लगे हैं, ठीक है, उमेर भाई मोटरसाइकिल किधर है, घर खड़ी है भाई, अभी भाई पेट्रोल डलवा के लेके आएगा, फिर हम निकल जाएंगे। तो भाई ठीक है, अभी हमारी तैयारी है भाई जाने की, सही है, ऐसे मुंह भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो भाई अभी अल्लाह ही खैर करे, ठीक है भाई चलते हैं अब। भाई उमेर भाई का हो गया था पेट्रोल ख़त्म, तो भाई वो गया है पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप से, तो भाई जब तक हम उसका यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है जी भाई फरमाइए। वैसे इतनी देर में पेट्रोल पंप वाले देर नहीं करते, लेकिन वो शायद कुछ मांग रहा हो यार, पेट्रोल भर दो गरीब। सही बात है, भीख मांग रहा होगा, अल्लाह के नाम पे पेट्रोल डलवा रहा होगा। तो भाई हम उसका अभी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे ही आएगा भाई फिर हम चलेंगे। उमेर भाई का भाई हम कोई आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं भाई, पता नहीं किधर रह गया, पता नहीं पेट्रोल पंप वाले की मिनते कर रहा है भाई फ्री का पेट्रोल डाल दे यार, वैसे उसकी शक्ल ऐसी और उसकी हरकतें भी ऐसी हैं, तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, वो ऐसी भी हरकतें कर सकता है। बाकी यार भाई यहाँ पे ना एक गटर है, ठीक है, सेम नाला जिसको बोलते हैं, उमेर भाई खुद तो यहाँ पे नहा के गया है, लेकिन यहाँ पे भाई गटर गंदी करके चला गया है, क्योंकि भाई पूरे साल बाद नहाया, ठीक है, देख लो सारा सरफ जो अंदर पड़ा हुआ है,
इसने सर्फ डाला अंदर, कोई घंटा दो घंटा भाई बैठ गया था सेम नहर के अंदर, तो अपना सारे पाप धो के चला गया यहाँ पे। भाई उमेर भाई अभी पाक साफ हो गया इस गंदे गटर में नहा के। तो भाई आ गया उमेर भाई अपनी गंदी सी शिकल लेके, वो देखो वो खड़ा। तो भाई अब हम जाने लगे यार, बहुत देर हो रही है, गर्मी भी बहुत हो गई। तो भाई इन लोगों ने मुझे पीछे बिठा दिया था कि भाई मैं कैमरा यूज़ कर रहा था यार, ये कह रहे थे भाई किसी चीज़ में ही नहीं मारते, तो भाई एहतियात ज़रूरी है, इसलिए भाई मैं खुद ही पीछे बैठ गया हूँ। भाई वैसे अच्छी बात है ये, आप भी भाई जब गाड़ी चला रहे हो तो भाई मोबाइल नहीं इस्तेमाल करें, भले व्लॉग हो भले जो, ठीक है, जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है भाई, जान बचेगी तो व्लॉग भी बना लोगे आप। भाई मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, तो भाई हमने अभी पेट्रोल डलवा लिया है, ये अभी थोड़ा पानी पीने, भाई पानी पी के फिर चलते हैं अभी यहाँ से। भाई अभी यहाँ पे ना डार्सन जा रही थी, ठीक है, लेडीज से भरी हुई, बराड़ी की लेडीज थी कोई, तो भाई मैं जो अपनी चीख मारता हूँ आइए, मैंने जोर से बोला आइए, भाई मेरे को लेडीज देख के हंसने लग गई। भाई क्यों नहीं देखे हमें, देख के हमारी ऐसी ऐसी, अगर कब्रिस्तान में जाए भाई अगर ऐसे तो मूर्ति उठ के बैठ जाए, तो लेडीज क्या चीज है। तो भाई बिट्टू भाई ने अभी अभी एक ताजी ताजी छट मारी है। भाई छट क्या मारी है, कहता भाई मेरा एक कोई रिश्तेदार था, ठीक है, बोला वो कश्ती में बैठता था, पानी के अंदर सीटी मारता था, मगरमच्छ बाहर आके उसकी गोद में बैठ जाते थे। भाई ऐसा कोई छट्टू है यार ये, बताओ मैं घंटे से इसकी बैठा हूँ, इसकी बकवास सुनी जा रहा हूँ, इसकी छट्टे सुनी जा रहा हूँ। ये देख लो ये भी शक्लें आ रही है हमारे साथ, पेट्रोल के पैसे खुट के पेट्रोल वाले की मिनते कर रहा था, चाचा थोड़े से पेट्रोल डाल दे पैसे, ईद के बाद ले लेना। पैसे ज्यादा हो गई है भाई, इसकी बेइज्जती ज्यादा हो गई है, लेकिन भाई ऐसा बंदा नहीं है, ये पेट्रोल के पैसे कैश में दे गया है भाई। नवाबशाह अभी हम पहुंच गए, गर्मी यार बड़ी है, मैं चला चला के अक गया था ना यार, ये मेरे को वही मोबाइल यूज़ करने दे रहे थे, मेरा काफ़ी दिल कर रहा था यार मैं बोलूं क्योंकि मैंने सारा रास्ता तो रोड दिखा दिया। भाई अभी हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं, भाई नीचे स्टेशन है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं अभी यहाँ से सिर्फ आपको ये पुल का ही दिखाता हूँ भाई, थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो भाई ये है नवाबशाह शहर, ठीक है, तो हम नवाबशाह के रोडों पर वैसे ही घूम ही जा रहे हैं। मोटरसाइकिल लुमान के हाथ में, भाई पता नहीं क्यों इधर बोला मरियम रोड पे जाना है, अल्लाह क्या है यार मरियम रोड पे। अच्छा चाट मशहूर है भाई, मरियम रोड की चाट मशहूर है। इन्होंने भाई रुला के रख दिया हमारे को पूरे शहर में यार, गर्मी लग रही है। फाइनली भाई मान गए ये वापसी स्टेशन को जाने को, इन्होंने मरियम रोड की भाई रट छोड़ दी है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये रही भाई स्टेशन वाली गली, ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा स्टेशन की तरफ। भाई स्टेशन पे अभी हम पहुंच गए, इन लोगों को देख लो, इनको यहाँ पे भी सुकून नहीं है, इन्होंने अब लेनी है भाई दो चार तस्वीर बैग के साथ और कैप्शन लिख देना भाई व्हाट्सएप पे के वे टू पंजाब, हालत है यार। भाई मेरे पीछे आ रही है ट्रेन, ठीक है, तो अभी मैं भी उसका एक स्टेटस बना लूंगा और व्हाट्सएप पे लगा दूंगा, मैं कैसे बनाऊँ ईदे मेरा यार मेनु नजर आवेला। ये तो भाई प्रैंक हो गया हमारे साथ, मेरे को लगा भाई कोई मुसाफिर गाड़ी होगी, लेकिन ये तो भाई माल गाड़ी निकली यार,
प्रैंक हो गया भाई, झूठ हो गया हमारे साथ। ये भी ट्रेन जा रही है भाई, लेकिन हम जाने का नाम नहीं ले रहे यहाँ से, क्योंकि भाई अभी आया तो थोड़ी देर यार घूम लेते ना यार। ये भले स्टेशन भले घूमने वाली जगह नहीं है, लेकिन कुछ समझो ना, इधर रौनक वैसे ही बहुत है, दिल नहीं कर रहा जाने का। मुझे मोटरसाइकिल पर भाई ये व्लॉग नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे आए तो इनकी तस्वीरें ही नहीं खुट रही है, ना इनकी कोई वीडियो खुट रही है, कभी स्लोमो कभी वीडियो कभी क्या, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे अपनी जानू के लिए वे टू पंजाब खर्ची थे। भाई देख सकते हो ये बच्चे भी बिल्कुल हमारी तरह, हमने भी और इन्होंने भी भाई जिंदगी में पहली बार ट्रेन देखी है, ठीक है। तो भाई ये आ भी रही है, ठीक है, थोड़ा हेलो हाय कर दो यार इधर यार। हेलो 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 हेलो, हाथ ला ना, हाथ ला यार, हाथ लाओ, हाथ तुम भी लाओ यार, थोड़ा वीडियो को थोड़ा शुगल तो बनाओ यार। भाई एक बात बोलूं, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, यकीन मानो। फाइनली भाई अल्लाह अल्लाह करके भाई इन्होंने स्टेशन की मस्त जान छोड़ी, अभी हम जा रहे हैं भाई लस्सी पीने। मेहनत हम करते हैं, इनाम कोई और ले जाता है, लड़की से नंबर ये लेता है, फंसा कोई और जाता है। भाई अभी होटल में आके बैठे हैं, ठीक है भाई, लस्सी का भी इंतजार कर रहे हैं, ऑर्डर दिया है, लस्सी आए तो पिए यार, थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया मानो, बड़ी गर्मी लग रही है यार। तो भाई काफ़ी देर बाद लस्सी आ गई है, क्योंकि भाई हमने पहले खा लिया था खाना, उसके बाद अभी लस्सी आई है। भाई ये रही लस्सी, ये सारे पीने में लगे ने पड़े, तो भाई मैं भी पीता हूँ। भाई लस्सी भले देर से आई है, लेकिन यार यकीन मानो लस्सी बड़ी कमाल की है। भाई आप भी आओ नवाबशाह भाई पुल के नीचे होटल है, यहाँ की लस्सी पियो भाई, बड़े जायकेदार लस्सी है भाई, ठंडे दिल खुश कर दिया यार। तो भाई लस्सी पी के एकदम चार्ज हो गए भाई, पूरी की पूरी ताकत आ गई है हमारे अंदर, अभी ताकत ऐसी हो गई है बिल्डोजर उठा लेंगे। वैसे कुछ ज़्यादा ही फेंक दिए मैंने, लेकिन भाई लस्सी में ऐसा कोई करंट था ना, फुल चार्ज करके रख दिया है। लेकिन मानो उस वक्त मेरी जबान नहीं चल रही थी, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगी मेरी जबान, लेकिन जब तक चलेगी भाई चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी भाई लस्सी पी ली है, अभी वापसी जा रहे हैं, देखते हैं स्टेशन पे बैठते हैं। भाई गर्मी बहुत हो गई है यार, भाई मैं तो व्लॉगिंग करता जा रहा हूँ, लेकिन भाई ये मेरे दोस्तों ने मुझे तनहा छोड़ दिया। भाई ये मुझे पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि भाई मैं पता नहीं कौन सी दुनिया से आ गया हूँ। भाई व्लॉगिंग है यार, व्लॉगिंग में तो बोलना ही होता ना, ये मेरे बोलने से बाजार हुए पड़े। पर एक बात बोलूँगा भाई, मेरे बोलने से बाजार नहीं होना, ठीक है भाई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं और ज़्यादा बोलूँ। भाई अभी गर्मी का अंदाज़ा ना इस बात से लगा लो, अभी हमारे भाई सामने पुल है, ठीक है, दरख्त भी लगे हैं, लेकिन आवाम जो सारी मुसाफिर है वो सारी भाई पुल के नीचे बैठी हुई है, ताकि भाई गर्मी से बच सके, क्योंकि भाई गर्मी बड़ी है। उमेर भाई को भाई बाथरूम आ रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा, क्योंकि भाई ये देख लो ये बाथरूम के दरवाजे आधे आधे हैं, इस वजह से भाई ये शर्मा रहा है, अंदर नहीं जा रहा बाथरूम में। तो भाई नवाबशाह से अभी हमने खा पी के भाई अभी हम निकल गए जाम साहब के लिए। भाई अभी हम जा रहे हैं सीधा जाम साहब दरबार की तरफ। भाई हम जाम साहब तो पहुंच गए, लेकिन भाई उमेर भाई की मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, भाई ट्यूब भी ख़त्म हो गई थी, तो भाई अभी हमने यहाँ पे ट्यूब चेंज कराई है यार, ये बैठा ही है। तो भाई अभी जैसे ही मोटरसाइकिल हो गई तैयार हमारी, तो अभी हम जाने लगे यहाँ से। भाई ये सीधी दरबार की गली, ठीक है, वो देखो भाई सामने दरबार। तो भाई अभी मैं बैठा हूँ सीधा दरबार के अंदर, भाई मैं इधर ज़्यादा कैमरा में नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई लेडीज़ भी खड़ी है, तो भाई मैं ऊपर ऊपर से बस दरबार का भाई दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ खड़ी है, भाई अलाउ नहीं है यहाँ पे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना।
भाई दरबार शरीफ से भी हम फारिग हो गए भाई। ठीक है अभी हम जा रहे हैं सीधा भाई अपने घर को। तो भाई अभी हम फारिग हो गए दरबार से भाई, जिस नियत से आए थे भाई वो हमें देखना नसीब हुई है। ठीक है तो भाई अभी मैं यहाँ पे अपना व्लॉग भी एंड करने लगा हूँ। ठीक है तो भाई अभी लास्ट में बस आप लोगों से छोटी गुजारिश नहीं बहुत बड़ी गुजारिश है यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है भाई हमें सपोर्ट करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार बोलूँगा भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं यार और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है भाई फिर मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।